गुड आफ्टरनून बच्चों, आज मैं आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बताना चाहता हूँ। वैसे तो इसे ज्ञात करने के लिए आपकी तीन विधि है, लेकिन इसमें मैं केवल आपको एक ही विधि बताऊँगा। जैसे कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 20 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर 12। इसमें देखो शुरू में समान चिन्ह और बाद में असमान चिन्ह, तो जो समान चिन्ह होते हैं वे माइनस करने पर कटते हैं और जो असमान चिन्ह होते हैं प्लस करने पर होते कटते हैं। तो असमान चिन्ह दोनों, तो इसे क्या कर लो यहाँ पर जोड़ने पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ पर लिखो जोड़ने पर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। जोड़ने पर एक्स और एक्स को जोड़ोगे आप क्या हो जाएगा 2x, बीस और बाई बीस को और 12 को जोड़ोगे आप कितने हो जाएंगे 32। एक्स बराबर 3 32/2, यानी कि इधर क्या था मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में आ रहा, इससे से काट दो क्या आ जाएगा 16। एक्स बराबर 16 एक्स, अब जो एक्स की वैल्यू आप कोई भी इक्वेशन में आप रख सकते हो, उससे आपको क्या हो जाएगा वाई का मान मिल जाएगा। एक्स का मान मैं समीकरण पहले में रखता हूँ, एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में हम एक्स का मान रखेंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर 20। पहले मैंने ये समीकरण उतार लिया, अब जो एक्स का मान यहाँ पुट कर दो, एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा 16 प्लस वाई बराबर 20, वाई बराबर 20 माइनस 16 और वाई बराबर क्या आ जाएगा आपका 4। ठीक है, हमें ये ज्ञात करना था, एक्स और वाई के मान निकालने थे, एक्स और वाई के मान हमारे आ चुके। थैंक यू।